उप बैठक में सबसे पहले तो हमने पूर्व बैठक में जो निर्णय लिए थे उनकी क्रियान्वित की चर्चा की, उसमें अधिकांश अजमेर की सबसे बड़ी ग्लेन गैलरी शी मार्केटिंग। संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा की अध्यक्षता में आज राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी जेएलएन चिकित्सालय की कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक मेडिकल कॉलेज के सभागार में आयोजित हुई। इस दौरान त्रैमासिक बैठक में पूर्व बैठक के निर्णयों के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। साथ ही चिरंजीवी योजना में अस्पताल की उपलब्धि और मरीजों को प्रदान किए जाने वाले निःशुल्क उपचार पर विचार विमर्श किया गया। आज जवाहरलाल नेहरू अस्पताल अजमेर से संबंधित राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की त्रैमासिक बैठक का आयोजन हुआ। उक्त बैठक में सबसे पहले तो हमने पूर्व बैठक में जो निर्णय लिए थे उनकी क्रियान्वित की चर्चा की, उसमें अधिकांश निर्णयों की पालना की जा चुकी है। इसके अलावा वर्तमान में जो एजेंडा था आज जो, उसके अंदर इनके प्रशासनिक भवन है तो कुछ उपकरण क्रय करने की बात है, कुर्सी टेबल कंप्यूटर प्रिंटर ने सामग्री वो, और इसके अलावा जो है सोसाइटी के जो बैलेंस है वो 20 करोड़ का बैलेंस आज की तारीख में, और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है उसमें हमारे जो जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल है उसका जो उपलब्धि है वो 63% है और बहुत अच्छी है, राजस्थान के टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट में ये आता है। और इसके अलावा मेडिकल जो रिलीफ सोसाइटी है इसके समस्त सदस्यों को ये अनुरोध किया गया कि इसमें जो एजेंडा है वो डिटेल्ड होना चाहिए, इनके लागत और उसके संख्या के हिसाब से योग लगा करके वो भी इनको हिदायत दी गई। और इसके अलावा जो मेडिकल सोसाइटी जो है इसके जो हम लोगों ने ये जनरल चर्चा की है, एक जो सिटी स्कैन वगैरह का जो शिकायत जो था वो आता है तो उसके बारे में भी इनको निर्देश दिया गया, करेक्ट सब उन्होंने निर्देश दिया, जो सिटी मजिस्ट्रेट और ये टीओ अजमेर ये 2 सदस्यों की कमेटी है वो 7 दिन में जाँच करके जाँच रिपोर्ट देगी और उसके बाद में उस पर लीगल ओपिनियन लेके हम आगे कार्रवाई करेंगे। और इसके अलावा जो हैं हम अभी वहाँ मुख्य जो जो आपके जवाहरलाल नेहरू अस्पताल है वहाँ पे इनके जो कबाड़ा है, इनके सेंट्रल स्टोर है, दवाई का स्टोर है, DDC, इन सब का भी हम भौतिक सत्य बंद करने निरीक्षण करने के लिए जा रहे हैं। और सब इनको मूल रूप से हिदायत दी गई कि जो रोगी है पेशेंट्स हैं उनके इलाज के लिए जो है उनको निःशुल्क इलाज, उनके लिए जांच और उनके लिए दवाइयाँ फ्री है, सब इसकी अक्षर से पालना हो। और अभी वर्तमान में जो मैंने आज जो समीक्षा की इसके हिसाब से हमारी ये इसकी पूरी पालना हो रही है, कहीं कोई दवाई की कमी नहीं है और न कोई इलाज में कोई लापरवाही कोई शिकायत मिली है और न ही कोई इसकी सेवा वगैरह जो इनको जो कलेवा योजना वगैरह जो खाना मिलता है उसके अंदर कोई शिकायत नहीं। इस दिवाली के अवसर पर अगर नया वाहन खरीदना है तो चले आइए बत्रा बैटरी शोरूम, जहां आपको मिलेंगे नए मॉडल के इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर, साथ ही होप बैटरी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर अलग अलग कलर के साथ मेटालिक रंगों में उपलब्ध, साथ ही वाहनों के लिए सर्विस सेंटर भी उपलब्ध। तो देर न करें, आज ही संपर्क करें बत्रा बैटरी, भगवानगंज चौराहा अजमेर, 9571204206। इस दिवाली घर आएगी खुशियां ही खुशियां। श्री मार्केटिंग के नए शोरूम पंचशील अजमेर की पहली एनिवर्सरी की खुशी में दीपावली तक पाइए 1 का 5 ऑफर का फायदा। ग्लैंड चिमनी की खरीद पर ग्लैंड चूल्हा 10 इयर्स गारंटी, इंस्टॉलेशन और फ्री होम डिलीवरी, यानी 5 चीजें बिल्कुल फ्री, साथ ही RO पर भी 40% तक ऑफ। अजमेर की सबसे बड़ी ग्लेन गैलरी शी मार्केटिंग बिहाइंड क्षेत्रपाल हॉस्पिटल, कचहरी रोड एंड पंचशील अजमेर। Just like their love makes festivities special, our love keeps your food fresher. Perfect! Easy Fresh technology by Liebherr that maintains optimum temperature and humidity to help food retain its moisture for longer freshness. Love food, love Liebherr. Namaskar, मैं मुकेश आहूजा आहूजा प्रॉपर्टी की तरफ से हमारे परिवार की तरफ से धनतेरस व दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली एक स्नेह मिलन भाईचारे का त्यौहार है, को सब मिलजुल कर मनाते हैं। माँ लक्ष्मी की सबके ऊपर कृपा हो, ये बहुत पवित्र त्यौहार है। साल भर इस त्यौहार का इंतजार किया जाता है, खासकर बच्चे इस त्यौहार का इंतजार करते हैं कि कब दिवाली आएगी, और ये बहुत एक पवित्र त्यौहार है और
एक निवेदन वो करना चाहूँगा कि 2 साल से तो कोरोना काल में फटाखों पर बैन थी, सरकारी गाइडलाइन थी, इस साल कोई बैन नहीं है फटाखों पर, पर ग्रीन फटाखे जलाएं, क्योंकि आप देख रहे हैं कितना प्रदूषण फैल रहा है, तो ग्रीन फटाखे का यूज़ करें और बच्चों को साथ लेकर फटाखे छोड़ें, क्योंकि कोई भी हादसा होता है, दुर्घटना हो सकती है, तो बच्चों को एक निवेदन करूँगा मैं पेरेंट्स से, तो बच्चों को साथ लेकर फटाखे छुड़ाएँ। और एक निवेदन मैं और करूँगा कि आप देख रहे हैं जो गरीब परिवार के लोग, जो कच्ची बस्तियाँ हैं, कच्चे मकान हैं, जो झोपड़पट्टियाँ, जो फुटपाथ पर जो लोग रहते हैं, उनके पास जाएं, उनके साथ दिवाली मनाएं, उनके बच्चों को फटाखे दें, कपड़े दें, मिठाइयाँ दें, उनके खुशियाँ बांटें। देखो उनके वो भी एक उम्मीद रखते हैं कि हमारे पास भी कोई आएगा, हम दिवाली मनाएंगे और हमारे कोई फटाखे देगा मिठाई, तो उनके साथ खुशियाँ बांटें। देखो असली दिवाली तो वही है, जो वो खुश है तो अपन खुश हैं। आज सर्दी का टाइम है, ठंड पड़ रही है, तो उनको कंबल भी देवें, रजाई भी देवें, उनके साथ खुशियाँ बांटें। देखो और जो बेचारे जो फुटपाथ पर ठेले वाले जो बेचारे जो दिवाली की सामग्री बेचते हैं, उनकी मदद करें, उनके पास जाएं, उनकी उनसे खरीदारी करें, उनसे भाव टोल नहीं करें, उनसे खरीदारी करें, उनकी मदद करें। वो भी बेचारे साल भर का इंजॉय करते हैं, वार त्यौहार में कुछ चीज़ें बेचते हैं, तो उनकी उनसे उनकी मदद करें, उनसे चीज़ें खरीदें, स्वदेशी अपनाएं। और पुणे में अजमेर जिले वासियों को, वार्ड वासियों को और प्रदेश वासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामना देता हूं। नमस्कार। समस्त प्रदेश वासियों को मेरे और मेरे परिवार की ओर से और मेरे समस्त गोवा वाइज स्टाफ की ओर से दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार सच्ची श्रद्धा से अपन माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करते हैं, तो मेरे सभी प्रदेशवासियों और शहरवासियों से यही निवेदन है कि इस बार लंपी वायरस के कारण गौ माँ ग्रसित है, तो कृपया करके उसकी सेवा कर और कर्म लाभ कमा। धन्यवाद। जितेंद्र अगवानी, एक बार पुनः मेरी और मेरे परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामना। नमस्कार, मैं मनोज कुमार मामनी, पार्षद वार्ड नंबर 2 से भारतीय जनता पार्टी, मेरी ओर से सभी वार्डवासियों को और सभी शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस त्यौहार को सभी भाईचारे से एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाएं। कोरोना के 2 साल बाद ये त्यौहार वापस आया है और दो साल अपन इसको ढंग से नहीं मना पाए, तो अब सभी जोर शोर से मनाएं, सभी भाईचारे से मनाएं। एक बार पुनः सभी शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। मेरे सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, अजमेर वासियों को धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा आपको पता है, 2 साल से कोरोना चल रहा था, तो कोरोना काल के कारण दिवाली पूरी लोगों ने ढंग से ना मना पाए, पर अब कोरोना पे हम विजय पा चुके हैं। जैसे श्री राम प्रभु ने लंका पे विजय पाकर अयोध्या आए थे, उसी तरह से हमने भी, पूरे देशवासियों ने कोरोना पे विजय पा ली है और हम 2 साल बाद स्वस्थ दिवाली मना रहे हैं। आपको सबको बधाई हो और श्री राम प्रभु की आपके ऊपर कृपा बनी रहे, लक्ष्मी माता के अन्न भंडार आपके भरपूर रहें, मेरी यही प्रार्थना है। और एक विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन फटाखों का उपयोग करें, खुले मैदानों में जलाएं। और एक आग्रह है छोटा सा मेरा आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप दुकानदारों से परचेसिंग करें, ऑनलाइन पर न जाके बाज़ारों में आएँ, बाज़ारों की रौनक बढ़ाएँ, ग्राहकी बढ़ाएँ और दुकानदारों का उत्साह बढ़ाएँ, जिससे लगे कि वास्तव में दिवाली है, दिखनी चाहिए। जैसे पुराने वर्षों में लगता था दिवाली है, उसी तरह से दिवाली दिखनी चाहिए। अभी सब ऑनलाइन परचेसिंग के कारण बाज़ार सुस्त पड़े, तो मैं आपसे एक आग्रह करता हूँ कि आप घरों से निकलें और जो भी आपको ख़रीदारी करनी है हमारे दुकानदार भाइयों से करें, जैसे उनका भी उत्साह बढ़े, उनका भी दिवाली त्यौहार बहुत अच्छी तरह से धूमधाम से निकले। पुनः एक दफ़े आपको धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जन सेवा समिति अध्यक्ष हरीश गिद्वानी, पेन वाले। जय श्री राम।